गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको 10 हर्बल प्लांट्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे घर पर होने चाहिए। तो मैं अपनी पहली लिस्ट में सबसे पहला हर्बल प्लांट जो लूंगा वो है तुलसी का प्लांट। वो आप सबके घर में मोस्टली मिलता है और आपने देखा भी होगा। बच्चों, ये तुलसी का प्लांट है, ये काफ़ी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। लगभग हमारे सभी घरों में होता है, हम इसकी पूजा भी करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी शाम को दिया भी जलाती होंगे इसके पास। तो ये हमारा तुलसी का प्लांट, बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इनको, इनकी लीव्स को, पत्तियों को आप तोड़कर आप अपने चाय वगैरह में डाल सकते हो, या आप सिंपल इनको बॉइल, पत्तियों को बॉइल कर भी आप पी सकते हो। ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, कुछ भी ऐसी तकलीफ हो, गले में खराश हो, तो आपने इस पौधे का, अपना जो तुलसी माता का पौधा है, उसकी पत्तियों को यूज करना है। और अगर जिसके घर में नहीं है तो वो अपने घरों में इसको लगाएं, बहुत ही आसानी से ये उग जाता है। ये इसके जो बीज हैं, ये बीज जब सूख जाते हैं तो इन सूखे बीजों को आप मिट्टी में मिला दीजिए, और बारिश के टाइम में जब बारिश का मौसम आता है तो ये छोटे छोटे पौधे अपने आप उग जाते हैं। उन छोटे पौधों को निकाल कर आप बड़े गमले में लगाइए, कम से कम 12 इंच का आपका पॉट हो, जैसे मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरह आप इस पॉट में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। अगर घर पर नहीं है तो इसको जरूर लगाएं। बच्चों, दूसरे नंबर पे जो हमारा हर्बल प्लांट है वह है मरुआ। मरुआ भी आप सबने देखा होगा, इसके पत्तों में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। आप तोड़कर देखोगे और इसको जब इसको सूंघोगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये हमारे भोजन के पाचन में बहुत ही सहायक होता है, हमारे जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है। और हमें अगर आपको सर्दी या खांसी इस टाइप का भी है तो इसको, पत्तियों को आप चबा सकते हो, इसकी पत्तियों की आप चटनी बना सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसको भी आप अपनी क्यारी में जरूर जगह दें। बच्चों, तीसरे नंबर पर हमारा प्लांट है पुदीना। ये हमारा पुदीना का प्लांट है। ये पुदीना जो होता है वो आपको पाचन में, आपके भोजन के पाचन में बहुत ही सहायक है। अगर किसी कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, इस टाइप की कोई भी दिक्कत रहती है, तो हमें ये पुदीना को यूज करना चाहिए। इसको भी आप अपनी जो क्यारी है, आपका हर्बल गार्डन है, उसमें जरूर स्थान दें। ये हमारा पुदीना का प्लांट है, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पानी की कमी ना होने दें। पुदीने का प्रयोग आप जलजीरा में भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसको आपने क्या करना है, इसकी जो ये स्टिक्स होती हैं, स्टिक्स को आप बीच में से काटोगे, काट के आप सीधा ज़मीन में लगा दीजिए, और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। गर्मियों में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा ये फैलेगा। गर्मियों की एक तरह से बहुत ही बढ़िया औषधि है हमारी। बच्चों, 4 नंबर पर हमारा अजवाइन का प्लांट है। अजवाइन के बेनिफिट्स आपको मम्मी वगैरह ने बताए होंगे, मम्मी डैडी ने बताए होंगे। कभी भी आपका पेट दर्द होता हो तो मम्मी क्या कहती है, अजवाइन ले लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा ये अजवाइन का प्लांट है। इसको इंडियन बोरेस प्लांट बोलते हैं, अजवाइन लीफ प्लांट बोलते हैं। तो इसकी पत्तियों में भी औषधीय गुण होते हैं। आप इन पत्तियों को पानी के अंदर बॉइल करके आप उसके पानी को यूज कीजिए, तो अगर आपको पेट वगैरह में दर्द है तो उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसको लगाना बहुत ही आसान है। ये भी एक तरह से हमारा स्टेम से कट करके आप इसको ज़मीन में लगाओगे तो लग जाता है, तो स्टेम कटिंग से ये आसानी से ग्रो हो सकता है। तो इसको भी अपनी क्यारी में जरूर स्थान दें। बच्चों, नेक्स्ट प्लांट हमारा लेमन ग्रास। 5वें नंबर पर हमारा लेमन ग्रास है। ये आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन ये कॉमन है आजकल। ये हमारे ग्रीन टी, आजकल ग्रीन टी का जो चलन हो चुका है, तो उसके लिए बेनिफिट है, उसको बनाने में मदद करता है। इसकी लीव्स को क्या करना है, इसकी लीव्स को हमने कट करके चाय वगैरह में डाल सकते हो, आप डायरेक्ट इसकी चाय बना सकते हो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देता है, जिनको आयरन की कमी है, जिनको अपना ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है, डायबिटीज़ वगैरह की जैसे प्रॉब्लम आती है, तो ये शुगर लेवल के लिए ये बहुत ही बेनिफिट देता है। इसको नींबू घास भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इसकी पत्तियों में जो खुशबू है वो एक नींबू जैसी, आपके लेमन है उसकी जैसी खुशबू आती है, इसलिए लेमन के नाम से ही इसका लेमन ग्रास नाम पड़ा है। देखने में आपको लगेगा कि ये एक तरह से जो जंगल में उग जाता है हमारा, जिसको अब हरियाणा में हमारे झुंडे या कुछ और बर्ड
इंग्लिश में एलिफेंट ग्रास बोल देते हैं, वो आप समझ रहे हो, लेकिन वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि इसकी इसमें खुशबू ही इसकी नींबू जैसी आएगी आपको। सिर्फ ये पहचान आपने इसमें करनी है, नर्सरी से बड़ी आसानी से ये मिल जाता है। तो इसको भी आप अपनी क्यारी में, इस प्लांट को, इस हर्बल प्लांट को क्यारी में जगह दें। बच्चों छठे नंबर पर हमारा हर्बल प्लांट गिलोय है। गिलोय के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। अभी जो हम डिजीज चल रही है, कोरोना जो बीमारी चल रही है, उसमें गिलोय का ज़्यादा ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि गिलोय में औषधीय गुण ही ऐसे हैं, क्योंकि हमारे ये अगर बुखार रहता है तो बुखार के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। बुखार में क्या करना है, बुखार में इसकी स्टिक, जैसे ये है स्टैम है, इसको आपने क्या करना है, इसको काट कर पानी में बॉईल करके आप इसको, इसका पानी है उसको थोड़ा ठंडा करके आप उसको पानी को पी सकते हो। ये बुखार में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, खास करके अभी इस टाइम कोरोना टाइम में तो बहुत ज़्यादा इसके इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ये मैंने अभी इसको स्टैम से ग्रो किया है, अभी इसकी ये अभी जस्ट ए बेबी प्लांट है और ये एक तरह बेल की तरह फैलती है, तो अभी मैंने इसको ग्रो किया और आने वाले टाइम में ये बहुत लंबी चली जाएगी। तो आप भी अपने क्यारी में, अपने गार्डन में गिलोय को जरूर स्थान दें। अगला हमारा हर्बल प्लांट है पत्थर चटका। पत्थर चटका भी आपने देखा होगा, इसकी पत्तियां इस तरह से होती हैं और ये बहुत आसानी से उग जाता है, ये बल्कि यहाँ पत्तियों से ही ग्रो हो जाता है। आप इनकी पत्तियों में देखिए जो ये हैं, ये इनके बर्ड्स होते हैं, इन्हीं की सहायता से पत्तों, इसको पत्तों की, पत्ते की सहायता से ही उगाया जा सकता है। ये आपको जैसे जिसके नाम से पत्थर चट, तो पथरी वगैरह में ये बहुत आपको बेनिफिट देता है। अगर किसी को पथरी वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसके पत्तों, पत्ते को आपने उसको बता सकते हो कि या उसके पत्ते को खाइए, इसके पत्तों से पथरी गायब हो जाती है, छू मंत्र हो जाती है। तो इस पत्थर चट के पत्ते को भी आप अपने गार्डन में, अपनी क्यारी में स्थान दें। बच्चों आठवें नंबर पर हमारा प्लांट है एलोवेरा का, ग्वार पाठा का। ये भी आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी लगा होगा, तो इसके भी काफ़ी हमारे बेनिफिट्स होते हैं। एलोवेरा में अगर इसको तोड़ते हैं तो इसमें जेल जैसी चीज़ निकलती है, ये जेल काफ़ी हेल्पफुल होता है। इस जेल को क्या करना है, इस जेल को आप अपने फेस पर भी लगा सकते हो। अगर आप धूप में ज़्यादा काम कर रहे हो, धूप में बाहर निकल रहे हो, तो इस जेल को आप फेस पर लगाओगे तो वो एक तरह सन क्रीम का काम करेगा। और इसको आप जिनको हार्ट वगैरह की कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके जेल को सीधा डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने गार्डन में, अपनी क्यारी में एलोवेरा को ज़रूर स्थान दें। बच्चों नौवें नंबर पर हमारा हर्बल प्लांट है छोटी इलायची। अभी मैंने इसको बड़े पॉट पर लगाया नहीं है, लेकिन अभी इसको नेक्स्ट टाइम अभी मैं इसको लगाऊँगा। ये वैसे हमारे ये साउथ का प्लांट है, लेकिन आप हम यहाँ अपने हरियाणा में भी इसको लगा सकते हैं। इसमें वो मौसम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम इसको क्या है कि इसकी हम पत्तियों को, इसकी पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं। इसमें इलायची चाहे ना आए, लेकिन हम इसकी पत्तियों को कट करके इसका हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होने के साथ साथ कैंसर से भी बचाती है। तो छोटे इलायची को भी अपने गार्डन में, अपनी क्यारी में जरूर स्थान दें, ये नर्सरी से आसानी से मिल जाएगी आपको। बच्चों नेक्स्ट प्लांट हमारा हर्बल प्लांट पान का है। पान का आपने नाम सुना ही है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इस पान में और चीज़ें भी मिला लेते हैं, नशीली चीज़ें मिला लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें गलत हैं। अकेला पान का पत्ता एक बहुत ही हर्बल चीज़ है। अकेले पास पान के पत्ते को क्या करना है, सिर्फ पान के पत्ते को तोड़ना है, तोड़ के बस सिंपल इसको क्या करना है, खाना है। ये हमारे हमें मुँह के कैंसर से बचाव करता है। तो पान के पत्ते को भी अपने गार्डन में जरूर जगह दें। इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, इसलिए इसको शेडी एरिया में रखें और इसको अपने ज़रूर स्थान दें।